हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर्स जीके, जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 22 जनवरी 2019 वार मंगलवार की हम बात करते हैं। साथियों, यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर्स के लिए आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द 15th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस बिगिन एट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। The 3-day event is being organized in Varanasi for the first time. The theme this year is Role of Indian Diaspora in Building New India. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस के 15वें संस्करण की शुरुआत हुई। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पहली बार वाराणसी में किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है Role of Indian Diaspora in Building New India है। नेक्स्ट, इंडिया एंड जापान इंडिया कॉरपोरेटिव एक्शंस जीका असाइंड द लोन एग्रीमेंट्स अंडर द जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। भारत और जापान भारत सहकारी अधिनियम जीका ने जापानी आधिकारिक विकास सहायता ऋण कार्यक्रम के तहत ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI हैज सेट अप एन 11 मेंबर वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर सेबी चीफ UK सिन्हा टू गो इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इन्वॉल्वेंसी एंड सजेस्ट ए सुटेबल फ्रेमवर्क। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI ने ग्रुप इंसॉल्वेंसी की अवधारणा में जाने और एक उपयुक्त ढांचे का सुझाव देने के लिए सेबी के पूर्व प्रमुख UK सिन्हा की अध्यक्षता में एक 11 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया है। नेक्स्ट, द 2-डे एग्री विजन 2019 कॉन्फ्रेंस ऑन एनवाइजनिंग एग्रो सॉल्यूशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाज हेल्ड इन हैदराबाद। इट वाज इनोग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। स्मार्ट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एग्रो सॉल्यूशंस की कल्पना पर हैदराबाद में 2 दिवसीय एग्री विजन 2019 सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद IIT हैदराबाद हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ए फुल फ्लैड बैचलर्स प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी फ्रॉम द न्यू अकेडमिक सेशन, ए फर्स्ट फॉर द कंट्री एंड ओनली द 3rd ग्लोबली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने नए शैक्षणिक सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक में पूर्ण स्नातक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की, जो देश के लिए पहला और वैश्विक स्तर पर केवल 3रा कार्यक्रम है। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इनोग्रेटेड द 426 meters लॉन्ग डिपो ब्रिज ओवर चिपू रिवर इन लोअर डिबंग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO हैज कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज अलोंग इंडो चाइना बॉर्डर। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में चिंपू नदी पर 426 meters लंबे डिपू ब्रिज का उद्घाटन किया है। सीमा संगठन बल BRO ने भारत चीन सीमा पर पुलिस का निर्माण किया है। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की।
नेपाल सेंट्रल बैंक हैज बैंड द यूज ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स ऑफ 2,500 and 200 rupees denominations, a move that could affect Indian tourists visiting the Himalayan National Pier. Indian currency is widely used. नेपाल के केंद्रीय बैंक ने 2,000 rupees, 500 rupees और 200 rupees मूल्य वर्ग के भारतीय मुद्रा नोटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह एक ऐसा कदम है जो भारतीय पर्यटकों को पूर्व में भारतीय मुद्रा का व्यापक रूप से उपयोग करने वाले हिमालयी देश में जाने से प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट, द स्वेडिश पार्लियामेंट अप्रूव्ड स्टेफन लोफवेन एज प्राइम मिनिस्टर फॉर ए सेकेंड फोर्थ ईयर टर्म। स्वीडिश संसद ने स्टीफन लोफवेन को प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए मंजूरी दी है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को हैज नेम्ड द ब्राजीलियन सिटी ऑफ रियो डी जेनेरियो एज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020। संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट, द अरब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन लेबनान कैपिटल बैरूत। लेबनान की राजधानी बैरूत में अरब आर्थिक और सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एनुअल मीट हैड बिगन इन देवास स्विट्जरलैंड। द मीटिंग विल कंटिन्यू फॉर 5 days। द थीम ऑफ द इवेंट वुड बी ग्लोबलाइजेशन 4.0, शेपिंग ए ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है। बैठक 5 दिनों तक जारी रहेगी। इस आयोजन का विषय ग्लोबलाइजेशन 4.0, शेपिंग ए ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट, रैंकिंग रिपोर्ट। इंडिया इज लाइकली टू सरपास द यूनाइटेड किंगडम इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी रैंकिंग इन 2019 टू बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाई ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म PwC। वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म PwC की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रैंकिंग 2019 में यूनाइटेड किंगडम से आगे निकलने की संभावना है। अवार्ड्स पुरस्कार, हिमाचल प्रदेश MP अनुराग ठाकुर हैज बीन बेस्ट आउट विद संसद रत्न अवार्ड फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मेंस एज ए पार्लियामेंट्रियन अंडर जूरी कमेटी स्पेशल अवार्ड कैटेगरी। हिमाचल प्रदेश के सांसद अनुराग ठाकुर को ज्यूरी कमेटी स्पेशल अवार्ड श्रेणी के तहत सांसद के रूप में उनके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ वी वैद्यनाथ एज MD एंड CEO ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 वर्षों की अवधि के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में वी वैद्यनाथन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार। इंडियाज अंकिता रैना हैज वॉन द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन $25,000 वुमेन्स टूर्नामेंट इन सिंगापुर। इन द फाइनल अंकिता डिफीटेड टॉप सीड अरांटका रूस ऑफ द नीदरलैंड। भारत की अंकिता रैना ने सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का $25,000 का महिला टूर्नामेंट जीता है। फाइनल में अंकिता ने नीदरलैंड की शीर्ष वरीयता प्राप्त एरांटक्सा रस को 6-3, 6-2 से हराया। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, ऑप्टोरीज निधन। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन मसाजो नोनका ऑफ जापान हैज डाइड एट द एज ऑफ 113 ईयर। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जापान के मसाजो नोनका का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका नाम वर्ष 2018 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपके करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालें, और यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।